मॉनसून एक्टिव रहेगा। चंडीगढ़ मौसम विभाग की तरफ से ये बुलेटिन जारी किया गया है और 22 जुलाई तक गरज और चमक के साथ बारिश होने की आशंका जताई गई है। सभी 22 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। घग्गर और यमुना का पानी 557 गांवों में घुस चुका है। हरियाणा के 12 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। बाईस जुलाई तक यानी अगले चार दिन की अगर आप बात करेंगे तो अगले चार दिनों तक बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है और 12 जिले ऐसे हैं अभी भी जो हरियाणा में बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर कि बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। घग्गर और यमुना का जलस्तर हरियाणा में अभी खतरे के निशान पर ही चल रहा है। तो ऐसे में ये जो आपको बता दें कि बारिश को लेकर वेदर को लेकर ये जो बुलेटिन जारी किया गया है चंडीगढ़ मौसम विभाग की तरफ से और 22 जिलों की अगर बात की जाए यहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ी परेशानी बढ़ा सकता है। परेशानी इसलिए कि अभी बाढ़ का पानी पहले वाला ही नहीं निकल पाया है तो आप ये सोचिए कि जब बारिश होगी तो एक बार फिर से नदियाँ जो अभी भी उफान पर हैं वो और ज़्यादा उफान पर होंगी और फिर बाढ़ का खतरा और ज़्यादा मंडराता नजर आएगा। अभी भी राहत अगर बात की जाए तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर की राहत अभी मिली नहीं है। 12 जिले और 12 जिलों में खास तौर पर यमुना नदी की आप बात कर लीजिए और इसके अलावा आप बात कर लीजिए घग्गर की। इन दोनों नदी से सटे हुए जितने भी गाँव हैं या जो भी शहर इनके आसपास है वहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। शहरों इलाकों की आप बात करेंगे तो काफ़ी हद तक राहत मिली है। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कर रहे पूरे युद्ध स्तर पर हुआ और इस वजह से थोड़ी राहत मिल गई लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुद जो गांव के लोग हैं वो मेहनत करते नजर आ रहे हैं लगे हुए हैं कि किसी तरह से पानी कम हो जाए। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं और क्योंकि घग्गर नदी की हम बात कर रहे हैं तो सिरसा में भी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अमित जरा बताइए कि किस तरह के हालात हैं फिलहाल सिरसा की आप बात करें और क्योंकि आप तो पूरी हरियाणा पर नजर रखते हैं तो पूरे हरियाणा को लेकर किस तरह से देख रहे हैं फिलहाल हालात। निश्चित रूप से विनय हालात अच्छे नहीं है क्योंकि 14 जिलों के करीब अगर बताया जाए तो प्रभावित हैं इलाके और उनमें खासतौर पर जो है वो फसली नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है और अभी भी जो मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी कर रखा है सभी 22 जिलों के लिए तो अभी ऊपर से भी अगर बारिश आती है बरसती है तो वो एक तरह से आफत ही लगेगी क्योंकि पहाड़ों पर पहले से ही शिवालिक की पहाड़ियों में जिस प्रकार से बारिश हुई और उसके बाद जो पानी का बहाव तेज गति से आया तो अभी भी जो करीब 50,000-52,000 जो क्यूसिक पानी जो है वो बह रहा है। ऐसे में कभी जो खतरा टला नहीं, खतरा बरकरार है इस प्रकार के और इस तमाम जो माहौल में लोगों से लगातार प्रशासन भी यही अपील करता है और हम भी अपने दर्शकों के माध्यम सभी दर्शकों से यह अपील करते हैं कि इस ऐसे जब आपदा का समय है उस समय संयम रखें, आपस में न उलझे पानी के लिए क्योंकि तो लगातार जो कल भी ऐसी घटनाएं सामने आई कि कई गांवों के लोग आपस में उलझ गए, कहीं गोलीबारी भी हुई तो उससे जो है वो माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता है। पहले से ही टेंशन है, संयम बनाकर रखें और इस आपदा से कैसे निपटा जाए इसके लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे सभी को और जैसा कि लोग अपना सहयोग दे भी रहे हैं प्रशासन अपनी तरफ से प्रयासरत है। हालांकि यह जरूर है कि कल अनुराग ढांडा से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष से उनसे बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि समय रहते जो है प्रशासन ने कदम उठाए होते तो शायद इससे काफी बचाव हो सकता था। शासन प्रशासन की ओर से आपदा का प्रबंधन पहले किया जाना चाहिए था तो अभी भी हालात जो है काफी खराब है, सुधरे नहीं है लेकिन ये है कि अगर पानी घटता है जैसे पंजाब के में सरदूलगढ़ का इलाका है वहाँ सड़कों पर पानी आ चुका है, फतेहाबाद की ओर पानी बढ़ रहा है, सिरसा में कई जो पंचायती तटबंध थे वे जो टूट गए, कुछ करमगढ़ जो गांव है सिरसा का उसमें चारों ओर से वो गांव जो है टापू की तरह नजर आने लगा है क्योंकि चारों ओर पानी है, किश्तियों से लोगों को जाना पड़ रहा है तो हालात अभी ठीक नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 22 जुलाई तक के लिए फिर से स्कूलों की जो अगर बात करें सिरसा की तो 49 ऐसे गाँव है जो संवेदनशील गाँवों में रखा है, उनको बाढ़ का खतरा है, वहाँ 22 जुलाई तक स्कूलों में अवकाश
अवकाश पहले से ही जो अवकाश था उसे बढ़ाकर 22 जुलाई तक कर दिया गया है। तो अभी खतरा बरकरार है, सबको मिलकर इस खतरे से निपटना है, संयुक्त प्रयास करने हैं और संयम रखना है। जी बिल्कुल अमित, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी घग्गर नदी क्या, क्योंकि अगर हम अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे हो गया, लेकिन वार्निंग लेवल जो है उससे ऊपर ही है अभी। तो घग्गर और जरा हरियाणा में यमुना नदी के हालात बताइए कि जलस्तर किस तरह का चल रहा है, क्या खतरे के निशान से ऊपर है अभी, और अगर बारिश हो जाती है अगले 4 दिन तक तो फिर कैसी परिस्थिति हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल विनय, आपका सवाल जायज है। इस समय अगर बरसात होती है तो निश्चित रूप से जो स्थिति बिगड़ेगी, हालात बिगड़ेंगे। हालांकि एक सुखद बात यह है हरियाणा वासियों के लिए कि यमुना का जल स्तर जो है वो घटा है, जिस वजह से करनाल के लोगों ने राहत की सांस ली है, करनाल के प्रशासन ने राहत की सांस ली है और सोनीपत और तमाम जो आसपास के इलाके हैं जहां पहले से खतरा था, और दिल्ली के लोगों को भी थोड़ी राहत तो मिलेगी क्योंकि यमुना का जलस्तर घटेगा तो उससे उन्हें भी राहत मिलनी है। लेकिन अभी भी घग्गर में जिस प्रकार का पानी का बहाव है, हालांकि एक एहतियात बरतते हुए राजस्थान की तरफ जो पानी जा रहा था उसे इंदिरा गांधी साइफन में साइफन के माध्यम से उसे वहां छोड़ा गया है, इंदिरा गांधी नहर में पानी डाल दिया गया है, उससे भी राजस्थान को राहत मिली है, हनुमानगढ़ के इलाके को भी राहत मिली है और रानिया के लोगों को भी। लेकिन अभी भी पानी का भाव है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, खतरा अभी टला नहीं है। और सिर्फ यही पूरे हरियाणा में जहां जहां बाढ़ से प्रभावित इलाके थे वहां प्रशासन को और ज्यादा मशक्कत करनी होगी, बाढ़ के बाद के हालातों को काबू करने के लिए मुआवजे का त्वरित जो है वो प्रबंध करना होगा, साथ साथ जो बीमारियां ना फैले, जल जनित बीमारियां जो फैलने का खतरा होता है वो ना फैले, इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को जुटना होगा। जी विनय, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी खतरा टला नहीं है और 4 दिन का अलर्ट भी घोषित किया गया है। तुषार सैनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से, और क्योंकि कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ दिनों पहले तक हालात बहुत ज़्यादा सही नहीं थे। तुषार, ज़रा अपडेट बताइए पहले तो कि क्या हालात है अभी कुरुक्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसके अलावा अगर ये 4 दिन तक बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, अगर 4 दिन बारिश होती है तो फिर कैसे हालात बन सकते हैं? जी विनय, मैं आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र में काफी समय से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तमाम शहरी इलाका हो, पेवा, शाहबाद, लाडवा, तमाम जगहों पर शहर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी और आपको बता दो कि काफी जलभराव की स्थिति नजर आई शहर में, जहां से मारकंडा नदी, SYL नरवाना ब्रांच व तमाम जो नदियां गुजरती हैं वहां पर आसपास काफी बाढ़ की स्थिति नजर आई और जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ का काफी असर देखा गया, जिससे हजारों एकड़ फसल नुकसान हो गई। और आपको बता दें विनय जी, किस प्रकार से जो येलो अलर्ट जारी किया गया है ये काफी चिंता बढ़ाने वाला विषय है, क्योंकि अभी भी शहरी इलाके में और ग्रामीण इलाके में पानी नहीं उतरा है और अभी भी लोग परेशान है। मारकंडा नदी की आप बात कर रहे थे तो दिल्ली में तो थोड़ी सी राहत की बात सामने आई, हमने घग्गर नदी का अपडेट तो ले लिया था अमित तिवारी से, जरा आप मारकंडा नदी का बताइए कि यमुना का जो जलस्तर है दिल्ली में तो कम हो गया है, सिरसा की अगर बात की जाए घग्गर नदी का थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन येलो अलर्ट जो जारी किया गया उसकी वजह से मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती है। मारकंडा नदी को लेकर क्या आपके पास अपडेट है? वीरे, मैं आपको बता दूंगी मारकंडे का नदी का स्तर अभी सामान्य चल रहा है, जिस सामान्य स्तर पर वो हर बार चलती है, क्योंकि जब उसका स्तर बढ़ा था जिसके कारण शाहबाद के इलाके में काफी बाढ़ की स्थिति आई थी और आसपास के कुरुक्षेत्र तक उसका काफी पानी आया था, पर अब जो मारकंडा नदी का पानी स्थिर है, अगर बरसात होती है तो ऊपर से पानी मारकंडा नदी में आ सकते हैं और जो कि चिंता बढ़ा सकता है। हाँ जी, और फिलहाल प्रशासन के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट बता दीजिए, किस तरह के राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, और क्योंकि अलग अलग जगह हमने हरियाणा में देखा कि NDRF और सेना भी लगी हुई थी, तो अभी क्या हालात है, किस तरह के राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, क्या अभी थोड़ा सा पॉज दिया गया है, थोड़ा सा रोका गया है कि चलिए काफी हद तक हालात सुधर गए हैं? विनय, मैं आपको बता दूं कि शहरी इलाकों में अभी पानी खड़ा हुआ है, जो सरस्वती नदी के आसपास है या नहरी क्षेत्र के आसपास है वहां अभी भी पानी खड़ा हुआ है। प्रशासन द्वारा लगातार वहां पर
टीमें भेजकर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और लोगों जरूरतमंद लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। इसके अलावा शहर की सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और नेता तमाम लोग जाकर वहां पर लोगों को जरूरतमंद सामान पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां पहुंचकर दवाइयां मुहैया करवा रही है। और आपको बता दें कि जहां पर पानी उतर चुका है वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर कुरुक्षेत्र में सबसे पहले सर्वे शुरू हो चुका है और कल से वो सर्वे शुरू हो गया था। और जो की टीम, प्रशासन की टीम लोगों के बीच में जाकर लोगों का सर्वे कर रही है, किसका कितना नुकसान हुआ है, वो सारी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कुछ थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो इस बात की तो बताइए कि, क्योंकि देखिए रोजाना एक बुलेटिन जारी किया जाता है सरकार की तरफ से कि पूरे हरियाणा में यहाँ पर ये हालात हैं, इतने मकान क्षतिग्रस्त हो गए, इतने मकान ध्वस्त हो गए पूरी तरह से, इतने लोग लापता हैं या इतने लोगों की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के बारे में आपके पास क्या अपडेट है? मैं आपको बता दूं विनय की, अभी जो कि प्रशासन के द्वारा आंकड़े हैं वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि क्षतिग्रस्त होने के भी मकान में काफी हैं। कोई मकान बैठ चुका है, कोई मकान की दीवार बैठ चुकी है, अलग अलग प्रकार से मकान क्षतिग्रस्त हो रही है। उसकी सभी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जो ये सर्वे हो रहा है इसमें तमाम डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। और आप बात करें कि जो अलग अलग रेशो है प्रशासन के द्वारा अलग अलग सर्वे किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कितनी मौत हुई। आपको बता दें कि दो मौत कल शाहबाद में सामने आई थी, जो कि बाढ़ के पानी में ही बह गए थे, खड्डे में थे। अच्छा। तो वो भी काफी घटनाएं भी सामने आ रही हैं बाढ़ के पानी को लेकर भी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तुषार, तो आपको बता दें कि पूरा अपडेट आपको सिरसा का और इसके अलावा हमने कुरुक्षेत्र का अब तक दे दिया है। अभी भी आपको बता दें कि हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है दोनों ही जगहों की अगर बात की जाए। और सिरसा की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर घग्गर नदी का जो पानी है वो परेशानी बढ़ा रहा है। कुरुक्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो पानी है वो मार्कंडा नदी का है, वो गांवों में घुसता हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हालात हैं। यमुनानगर में यमुना का पानी, तो आपको बता दें कि ये जो नदियां हैं इसमें जो पानी ऊपर से आया है और इसी वजह से जलस्तर बढ़ा है। तो हालात कुछ इस तरह के हैं जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं।